हाय फ्रेंड्स, मैं बाल मुकुंद पंड्या। मेरा एक वीडियो था कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कमेटी में चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का काम क्या है। ये वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था। उसमें से कुछ लोगों का सवाल था कि सर, आपने चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, ये तीनों का तो काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया है, लेकिन बाकी जो सदस्य हैं, कमेटी मेंबर हैं, उसका काम क्या है, उसके बारे में मुझे बताइए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का वीडियो क्या काम है वो देखा नहीं है तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप जरूर से देख लेना, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कर दूंगा, तो आप जरूर से पढ़ लेना, अगर वॉच कर लेना जो अभी तक आपने नहीं किया है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब में या तो कहीं सर्च करोगे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सर्च करके मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगा। और जो कमेटी है वो कमेटी के साथ ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली बाकी जो कमेटी मेंबर है उसको भी क्लैरिटी आ जाएगी कि हमको क्या और काम करने चाहिए, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपकी कमेटी में कुछ बदलाव या तो सुझाव आएगा। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लीजिए शुरू करते हैं कि बाकी कमेटी मेंबर का क्या क्या काम होना चाहिए। दोस्तों, कमेटी के अंदर टोटल 7 लोग, 9, 11 या तो ज़्यादा फ्लैट है तो आप 15 तक ले जा सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इतना इंश्योर कर देना कि जो कमेटी मेंबर है वो एक्टिव होने चाहिए, जिनके पास कुछ टाइम होने चाहिए, जो सोसाइटी फ्लैट के लिए कुछ काम करने की उनकी जिज्ञासा हो और काम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो सबसे पहला जो एक्टिव है, काम करने की इच्छा है, और जिसके पास थोड़ा बहुत फ्री टाइम है, मीन्स फ्री टाइम निकाल सकते हैं काम करने के लिए, ऐसे सदस्यों को कमिटी में शामिल करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपको वेराइटीज ऑफ द पीपल लीजिए, वेराइटीज ऑफ द पीपल इन द सेंस कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोग। सपोज कि आपका चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर तो हो गए, उसके बाद की जो कमेटी मेंबर्स हैं इसमें कुछ टेक्निकल नॉलेज वाले लीजिए, कोई फाइनेंशियल नॉलेज वाले लीजिए, कोई लीगल नॉलेज वाले लीजिए, कोई आपके मीन्स ऐसे एडवाइजरी जो काम करते हैं, जो गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जिसको मीन्स थरो कंप्लाइंस का नॉलेज है, उसको आप शामिल कीजिए। कोई बिजनेस वाले हैं उसको शामिल कीजिए, जिसको थोड़ी मीन्स वेराइटीज ऑफ द पीपल, जिसकी वजह से आपको एक ग्रुप मिले, कमिटी मिले, जिसमें आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस के साथ आपको एक नया कुछ विचार और उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिले, और उसका जो एक्सपीरियंस है वो आप आपकी सोसाइटी को डेवलपमेंट मेंटेन करने के लिए अच्छी तरह से उसको कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से आपको बहुत ही क्लैरिटी आ जाए और ये यूटिलाइज हो, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप बाकी सोसाइटी मेंबर्स, आपके खुद के अपार्टमेंट के जो सोसाइटी, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज़ शेयर करना, जिसकी वजह से लोगों को भी नॉलेज मिले। दोस्तों, जो 3 लोग मेंबर्स हैं उसके अलावा जो मेंबर्स हैं, मैंने पहले भी बताया, एक्टिव मेंबर होने चाहिए, उसके साथ डिफरेंट नॉलेज वाले होने चाहिए, प्लस ये कमेटी मेंबर्स जो हैं वो चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का कहना मानना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो चेयरमैन, सेक्रेटरी जो डिसीजन लिए हैं, बिकॉज वी आर अपॉइंटिंग एज अ चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजर, तो वी हैव टू, हमको मानना चाहिए जो सही है। ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं उसको मानना, जो सही है, सबकी सहमति से लिए गए निर्णय है, उसको ये 3 और 1 कमिटी मेंबर के साथ उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी बाकी जो मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो है, जो बाकी की कमेटी के मेंबर्स को क्या क्या एक्टिविटी करनी है उसका एक अलॉटमेंट करते हैं, अलॉटमेंट करना चाहिए और उसको बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन करने का है। फॉर एग्जाम्पल कि डिफरेंट जो कमेटी मेंबर है, मैं समझता हूँ कि 7 या 8 लोग हैं, तो कुछ लोग मीन्स एक या दो लोग ऐसे हैं कि जिसको ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि सोसाइटी के अंदर जो भी फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेशन करने के लिए क्या क्या प्लानिंग करना है। दूसरे 2 लोग ऐसे होने चाहिए कि ये प्लानिंग करने के बाद उसका क्या एग्जीक्यूशन कैसे करना है उसका।
मार्केट से जो वेंडर से हमको जरूरत पड़ेगी तो वेंडर से डिफरेंट कोटेशंस निकाल के उसको कैसे लोएस्ट वाले को और अच्छी सर्विस दे, ऐसे लोगों को सिलेक्शन करके कमिटी के साथ रहना पड़ेगा। सपोर्ट करना है कि कुछ भी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको कैसे उसको रिजोल्यूशन करें, रिसोर्सिस कैसे ढूंढे, मटेरियल्स कैसे ढूंढे, और जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर कम से कम कम खर्चे के अंदर अच्छी सुविधाएं डेवलप हो। देखो सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मीन्स पीपल आपको मिलेंगे, वो कमिटी के मेंबर्स नहीं है, लेकिन आप उनका भी अच्छी तरह से यूटिलाइज करके उससे भी आप काम ले सकते हैं। वो कमिटी के अदर मेंबर्स का काम है कि आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसको कुछ ऐसा नॉलेज है, आपको सब कमिटी के अंदर सबको शामिल नहीं कर सकते, लेकिन उसका नॉलेज को उसको कई कुछ बार बुला के तो डिसीजन ले सकते हैं। हर बार कमिटी के अंदर मीन्स जनरल मीटिंग या तो एजीएम नहीं बुला सकते, लेकिन कुछ डिसीजन लेने के लिए, कुछ फाइनलाइज करने के लिए कमिटी डिसाइड करती है। कमिटी डिसाइड करने के बाद फाइनल स्टेज पे लाती है, और फाइनल स्टेज के लाने के बाद जनरल बॉडी मीटिंग या तो एजीएम के अंदर उसको रिप्रेजेंट करती है। तो कमिटी का काम क्या है कि आपको एक डिसीजन पक्का होना चाहिए, वेरियस एक्टिविटी का सेग्रीगेशन करके कौन क्या काम करेगा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, सदस्यों के साथ जो मिल के आपको सदस्यों से भी कुछ काम करवा सकते हैं वो भी करना है, उसके साथ साथ कंप्लायंस जो है हमारी सोसाइटी के अंदर जो लीगल कंप्लायंस है, जो अथॉरिटी के साथ सर्टिफिकेशंस है, लिफ्ट है, बोरवेल है, वो सबको कैसे मेंटेन किया जाए प्रॉपरली, उसकी चेयरमैन सेक्रेटरी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि कुछ सदस्यों को उसके लिए काम करना है, कुछ सदस्यों को उसके लिए काम करना है। इसीलिए मैंने आपको बोला था पहले ही कि कमेटी के अंदर वैराइटीज ऑफ नॉलेज वाले पीपल होने चाहिए, जिसकी वजह से ये काम आप बेहतरीन तरीके से उसको सेग्रीगेट कीजिए, अच्छी तरह से हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपके जो फ्लैट है उसको प्रॉपरली मेंटेन हो जाए, प्रॉपरली हो जाए। क्योंकि कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं, कुछ ऐसे एक्टिव लोग होते हैं जिसकी वजह से हम कुछ भी सोर्स मटेरियल लाना चाहते हैं, इवन फेस्टिवल में भी सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, उसके पास इतने कॉन्टेक्ट्स होते हैं कि जो अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी का हम कर सकते हैं, और उसके लिए कमिटी भी आपको अप्रिशिएट करती है। और अगर कमिटी मेंबर्स इनएक्टिव है और काम नहीं करते हैं, टाइम नहीं आता है, तो आप कमिटी के मेंबर्स को आप बदल भी सकते हैं, और उसके लिए आपको इंटरनल डिसीजन लेना पड़ता है कि हम ये पर्टिकुलर मेंबर है वो इनएक्टिव है, या तो उसकी ट्रांसफर हो चुकी है वो नहीं है, तो आप एडिशनल किसी बंदे को आप लेके कमिटी के साथ मीन्स ऑल द पीपल के साथ कर सकते हो। उसके लिए जनरल बॉडी मीटिंग एक बुला के आप जो एक्टिव मेंबर है उसमें से एक सिलेक्शन करके आप कर सकते हैं। दोस्तों ओवरऑल हमको अपार्टमेंट फ्लैट में साथ में रहना है, अच्छी तरह से उसको मेंटेन करना है, न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर देना है, और मीन्स आपको साथ में मिलके सब फेस्टिवल्स या तो कोई प्रॉब्लम्स आती है तो साथ के मिलके उसको रिजॉल्व करना है, बाकी कमेटी का काम है। दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई कंसर्न है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू दोस्तों।